Hello, friends. इन्वेस्ट फोर आवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डेली हम एक वीडियो लाते हैं जिसमें हम रि, आ, रिजल्ट से रिलेटेड बातें करते हैं जैसे कि कल की डेट में यहाँ पर कुछ कंपनीज के आए थे इससे पहले कुछ कंपनीज के रिजल्ट आए थे तो, तो इस तरीके से हम डेली वीडियोज बनाते हैं ताकि उनके रिलेटेड कंपनीज के रिजल्ट हमें एक बार शॉर्ट टर्म में हमें पता चल जाए जो हम पढ़ते हैं वो एग्जैक्टली exactly कंप्लीट रिजल्ट नहीं होते उससे हमें और भी डीपली स्टडी करनी होती है बट एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है उससे हम देखने पर तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर

बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर ट्रेडिंग डिमेक्ट अकाउंट नहीं है क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो एक एक करके हम यहाँ पर वीडियो देखते हैं इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ भी कुछ ऐसी जो दिग्गज है करेंगे, तो एक, -एक करके यहाँ वीडियो बनाते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए रिजल्ट है तो हम देखें तो टीवी एक बेहतरीन स्टॉक्स कह सकते हो या मीडिया का स्टॉक्स ये कह देते हैं और अगर हम बात करते हैं। इसके रिजल्ट तो देख लीजिए लैक्स में रिजल्ट है ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर के और एक साल पहले के रिजल्ट है अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की तो यहाँ देखिए सत्ताईस हजार सात सौ सत्तानवे रुपीज से पहले बत्तीस हजार था इससे पहले तेईस हजार था तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जंप है बट क्वार्टरली बेसिस पे पर इनकम में गिरावट है ओके इसके पीछे यहाँ पर अगर बात करें वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज यहाँ पर ये कम होता हुआ दिखाई दिया ये भी एक रीजन है बाकी और भी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके अलावा देखें यहां पर और भी चीज एक्सपेंस तो एक्सपेंस देख लीजिए चौबीस हजार नौ सौ सड़सठ करोड़ पहले पच्चीस हजार पांच सौ तीन तो एक्सपेंस

भी है तो हमें इस चीज को भी देखना होगा तो अगर बात करें <coughs> टीवी में सीधे बताया जाता है तो लोग खरीदने लग जाते हैं नेगेटिव से दो परसेंट पे चल रही थी इसे ऊपर ले तीन चार परसेंट तक फिर उसके बाद दोबारा नेगेटिव ले गए तो थोड़ा न्यूज देखने से पहले शेयर खरीदने से पहले ये सब कुछ देख लीजिए एक बार रिजल्ट पढ़ लिया, पढ़ लिया करे ताकि जल्दबाजी ना करे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ईपीएस भी इसी तरीके से दिखाई दे रहा है इसके अलावा कंसॉलीडेट नंबर भी देखने यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर हम देख लेते हैं कंसॉलिडेट का नेट नेट प्रॉफिट 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 फॉर द पीरियड तो यहां पर profit, यहां पर देख सकते हैं छह हजार पांच सौ ग्यारह चार पर क्वार्टर तो के रिजल्ट के आए हैं इसके अलावा बात कर लेते हैं सिंजिन के रिजल्ट अभी तक आए नहीं है ओके तो इस कंपनी की तरफ हम कल की डेट में आज की डेट में जब टाइम मिलेगा तो यहाँ पर वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड भी रिजल्ट देख लेंगे इसके अलावा बात करते हैं एस सी एल एक कंपनी है इसके रिजल्ट भी हम यहाँ आते हुए दिखाई दिए अगर इसके रिजल्ट हम नीचे जाके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और अगर किसी कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड दे रखा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बताएं तो यहाँ पर इन करोड़ में रिजल्ट है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शाम शाम मेटालिक एनर्जी कुछ दिन पहले इसके Q4 के रिजल्ट आए थे अभी Q1 के रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें तो चौबीस सौ बहत्तर करोड़ में पर जंप है जो कि अच्छी बात है। की बात करें पर तो सत्रह तो सौ करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस है इससे पहले सत्रह इससे पहले सात करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस है तो इयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर एक्सपेंस ही बढ़ रहे हैं बट अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो यहाँ पर देख लिये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो चार अठावन करोड़ का प्रॉफिट है इससे पहले तीन इससे पहले अस्सी तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है तो इस कंपनी को अपने रेडार पर भी रखना हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है ये शेयर ओके बीच में हमने बातें भी करी थी आ, अगर बात करें यहाँ पर बेसिक ई वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तीन रुपये का ई एक साल में उन्नीस का हो गया सोलह से उन्नीस हो गया है और नया लिस्टिंग है कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है ईयरली क्वार्टरली बेस पर तो ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई देगा इसके अलावा बात करें सनाथ नगर इंटर

क्योंकि ये क्वार्टरली बेसिस पे ही ये इस बार के रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट आए नहीं है इस बार के रिजल्ट कंपनी ने दिया ही नहीं है क्यों नहीं दिए क्योंकि पर दिया पर रिजल्ट बट इनकम नहीं हुई है कंपनी कंपनी की के एक्सपेंसिव हुए है लॉस दिखाई दे रहा है, तो कंपनी इसे दूर रखिएगा इसे दूर ही रहिएगा सन, सना, सनाथ नगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है इसके अलावा बात करते हैं रानी मद्रास लिमिटेड आपको पता बताइए ये कंपनी किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भागती हुई दिखाई दी थी डिविडेंट हम देख लेते हैं यहाँ पर होगा तो आप डेफिनेटली बताइए इन करोड़ में रिजल्ट है सेम पैटर्न है टोटल इनकम की बात करें तीन सौ छ करोड़ का यहाँ पर इनकम है इससे पहले तीन सौ अस्सी थी इससे पहले एक साल पहले छियानवे करोड़ थी तो ईयरली बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस है क्वार्टरली बेस पे गिरावट है टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यहां देखिए तीन सौ एक करोड़ का यहां पर एक्सपेंस हुआ है इससे पहले तीन सौ इकहत्तर इससे पहले की बात करें तो तीन एक सौ अट्ठाईस करोड़ का यहां पर एक्सपेंस है तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे पर ईयरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ा है क्वार्टरली बेस पे गिरावट है बट अगर देखें यहाँ पर फोर द पीरियड की तो तीन करोड़ का प्रॉफिट हुआ है

इसके भी रिजल्ट नहीं आए ये सारे के सारे हमने इसलिए रख रखे ताकि आपको बता सके कि इसके रिजल्ट बाद में हम देखेंगे तो इसके अलावा हम बात करते हैं एक और कंपनी मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड

तीन हजार आठ सौ सत्तावन इससे पहले पांच हजार दो सौ चौरानवे तो ईयरली बेस क्वार्टरली बेस पे, पे एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं 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 और और बात करते profit after tax की okay, तो की तो पर पर हम देख लेते ये हो गया और यहां पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे एक मिनट पेड अप तो टोटल अदर इनकम नेट टैक्स अदर इक्विटी नेट बिफोर टैक्स तो प्रॉफिट बिफोर अगर टैक्स की बात करें दो हजार ग्यारह ग्यार लैक्शन रुपीज से पहले एक हजार बत्तीस से पहले चार हजार तीन सौ इकतीस तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर ये आ आ आ पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है ओके क्वार्टरली बेस में पर पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टरली बेस बेस यहाँ पर गिरावट है बट अगर हम बात करते हैं एनपीएटी एनपीएटी यहाँ पर दे नहीं रखा है इनकम फॉर द टैक्स इक्विटी पे तो यहाँ पर आई थिंक कंपनी घाटे में है इस चीज को यहाँ पर देखिएगा बट अगर यहाँ पर ईपीएस भी बेसिक एंड यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने क्वार्टरली बेस पे शायद अच्छा खासा परफॉर्म किया है बट ईयरली बेस में यहाँ पर कंपनी में गिरावट है तो इस चीज से ईपीएस से हमें पता चल रहा है एनपीएटी यहाँ पर देखा नहीं रखा है अदरवाइज मैं आपको बता देता बट बत कोई नहीं यहाँ पर आपको पता चल गया है एक आइडिया लग गया है तो इस कंपनी से यहाँ पर इतना ज्यादा ध्यान मत रखिएगा बट अपनी वॉच लिस्ट में रखिए का इसे वॉच करते रहिए इसके अलावा देखते हैं इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके रिजल्ट अभी आए नहीं है आई सी सिक्योरिटीज के भी रिजल्ट अभी नहीं आए आईसीआईसीआई प्रू के भी रिजल्ट अभी तक नहीं आए इनके रिजल्ट हम बाद में देखेंगे बट इस कंपनी के रिजल्ट DCM, आ गए डीसीएम सी श्री राम काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो इसके रिजल्ट अगर बात करें सीमेंट शुगर यहाँ पर सर्विस सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आती है इसके रिजल्ट अगर हम देख लेते हैं आई थिंक इसने डिविडेंड भी दिया है यहाँ पर देखना पड़ेगा ओके कोई इशू नहीं है हम सीधे रिजल्ट पे चलते हैं इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है टोटल इनकम की बात करें तो देखिए सेम पैटर्न है यहाँ पर इस क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के एक साल पहले के तो 225 करोड़ का यहाँ पर इनकम हुआ इस बार इससे पहले 2221 से पहले एक तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जंप है बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर तो टोटल इनकम में गिरावट है इसके अलावा बात करते हैं यहां पर एक्सपेंस की तो यहाँ देखिए अठारह करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस हुए इससे पहले उन्नीस इससे पहले अठारह तो एक्सपेंस ईयरली क्वार्टरली बेस पर घटते हुए

एक और कंपनी आपको पता है किस तरीके से यहाँ पर शेयर कुछ दिनों में भागता हुआ दिखाई दिया जस्ट बिकॉज इसके रिजल्ट आने थे आठ रुपए का डिविडेंड भी दिया है तो इसे देख लीजिएगा ओके विल बी पेड ऑन अगस्त एटीन मतलब अठारह तारीख को यहाँ पर पे किया जाएगा अठारह अगस्त को तो आठ रुपए का यहाँ पर डिविडेंड दिया है इसके अलावा इसके रिजल्ट देख लेते हैं तो पर आ जाते हैं तो इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है यहाँ कंसोलिडेट है स्टैंड लॉन है कंसोलिडेट देख लेते हैं तो देखिए टोटल इनकम सेम पैटर्न है अगर हम देखे 550 करोड़ का यहाँ पर इस बार का इनकम है इससे पहले पांच सौ आठ इससे पहले चार करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट इनकम थी तो जो की अगर हम देखे तो ईयरली बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे जंप है एक्सपेंस एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर चार सौ उन्नीस करोड़ इससे पहले तीन सौ अठानवे से तीन सौ नब्बे एक्सपेंस ईयरली क्वार्टरली बेस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सौ करोड़ का प्रॉफिट हुआ 83 है इससे पहले तिरासी करोड़ इससे पहले छियासठ तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट किया है ये क्रिसेल वही शेयर है जो राकेश जंजुवाला के पोर्टफोलियो में शायद है या हुआ करता था आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस देखना पड़ेगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न तब पता चलेगा तो यहाँ पर तेरह रुपए छियासी पैसे का ईपीएस से पहले

स्ट्रीट को बीट नहीं किया था स्ट्रीट के नंबर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर उस शेयर को गिरा दिया गया टीवी में बताया गया कि यह शेयर बेकार है इसमें आ, अच्छे मतलब नंबर अच्छे नहीं आया ये वो बल्कि हमने कल नंबर पढ़े थे अच्छे खासे नंबर थे क्वार्टरली ईयरली बेस पे यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट था तो उस शेयर को गिरा दिया गया बट बात करें एशियन पेंट की एशियन पेंट के साथ भी सेम था बट यहाँ पर इस शेयर को तो इतना बताया गया इतना बताया गया कि यहाँ पर यह शेयर आज के दिन भागता हुआ दिखाई दिया तो ये सारी टीवी को देख के आपको टीवी से आप शेयर को देख यहाँ पर खुद की स्टडी करके ही आपको लेने टीवी के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं जो आपकी लंका लगा सकते हैं कभी भी यहाँ पर इन रोड्स में यहाँ पर नंबर है तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सेम पैटर्न है नंबर का टोटल इनकम देखिए 4,819 करोड़ इससे पहले इससे पहले पांच हजार सात सौ सत्तर करोड़ का यहाँ पर इनकम थी इससे पहले चौबीस अट्ठनबे तो ईयरली बेस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया बट क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है बट एस सी एल के केस में क्या था इयरली क्वार्टरली बेस दोनों बेसिस पे अच्छा था टोटल एक्सपेंस uh, की बात करें चार और अगर इससे पहले चार हजार छह सौ पैसठ इससे पहले दो हजार एक सौ इकसठ करोड़ का तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहां पर गिरावट ईयरली बेस पर जंप है एक्सपेंस में बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है और यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की पांच करोड़ का प्रॉफिट है इससे पहले आठ इससे पहले दो करोड़ का तो ईयरली बेस पर कंपनी ने दो, दो, दो गुने से भी ज्यादा प्रॉफिट किया है बट अगर बात करें ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर, पर, पर गिरावट है बट अगर बात करें एस सी एल के, 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 केस में ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस में यहाँ पर अच्छी खासी जम थी बट स्टिल बटर को आज यहां पर गिराया गया बेसिक ईपीएस की बात करें छह रुपए इक्कीस पैसे का ईपीएस है इससे पहले आठ रुपए चौवन इससे पहले दो रुपए तेईस पैसे तो टीवी देख के आप यहाँ पर आपको कुछ भी जज नहीं करना है इस चीज को हमेशा याद रखिएगा इसके अलावा एक और बेहतरीन कंपनी जुबिलियंट इंग्रीविया भी हमने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर तो इससे रिलेटेड तेरह स्टॉक्स में इसका भी नाम है तो इसको ध्यान में रखिएगा ओके आई थिंक uh, इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट अगर बात करें इसके रिजल्ट्स की माइंड ब्लोइंग नंबर इसके आए हैं यहाँ पर देखिए अभी लिस्ट होती हुई मतलब इनका बिजनेस डीमर्ज हुआ था जुबिलियन लाइफ साइंस से तो में इसलिए लास्ट ईयर के रिजल्ट नहीं है यहाँ पर दो ही क्वार्टर के रिजल्ट है टोटल इनकम की देखिए तो यहां पर कितना एक लाख ग्यारह हजार एक सौ पैंतीस uh, लैक्सन रुपीज की इनकम है सड़सठ हजार एक सौ पर परफॉर्मेंस अच्छा है, पर है, है। एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर तो टोटल एक्सपेंस देखिये नब्बे हजार आठ सौ आठ इससे पहले साठ हजार दो सौ नब्बे तो ये तो यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बट अगर बात करते प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो तेरह हजार आठ सौ सत्रह का यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखा रहे है लेक्स एन रुपीज का बट इससे पहले तीन हजार आठ सौ था तो यहाँ पर कितना लगभग लगभग चार गुना यहाँ पर चार गुना कह दीजिए या तीन गुना से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर कंपनी का इसी वजह से पर ये आज शेयर दिखाई दिया और इसके टारगेट लोगों ने बहुत बेहतरीन पर बताया है ईपीएस भी तीन रुपए सिक्स रुपीज का ईपीएस आज की डेट में आठ रुपए सड़सठ पैसे का ईपीएस है तो यहाँ पर ये कंपनी काफी बेहतरीन है यहाँ पर मोस्टली कंपनी के नंबर रिजल्ट अच्छे आए हैं ओके इन्हें खुद एनालाइज करिए बाकी कुछ कंपनी के रिजल्ट आए नहीं है अभी तक जो हमने बीच में यहाँ पर देखे थे तो उनके रिजल्ट जैसे ही आएंगे हम यहां पर आपको डेफिनेटली आज या कल में बता देंगे कल छुट्टी भी है तो एंजॉय करेगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस